ये आलू कितना जो है सर का है तो बीच में डालेंगे क्या? आपने एक दो जन जयपुर आ जाओ मेरे पास, तो वहाँ में अपने को जो अपने जो डिसीजन मेकर है उनको बुला के अपन वार्ता कर लेंगे। मुझे एक दिन पहले पता था ना जयपुर आ जाओ, मेंटली रिटार्डेड आदमी ही या जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं वही ऐसा करते हैं। अब इसको किशोर गृह में ले जा रहे हैं दोनों बच्चों को, बिकॉज जो माँ बाप दे आर नॉट इन अ स्टेट कि वो इनको रेज कर सके। मैं सोच रहा हूँ ये इनके लिए एक जिंदगी के अंदर एक सुनहरा भगवान के पास से अब आगे के लिए एक ऐसा मौका मिलेगा कि आगे जो है सरकार की निगाहों के सामने ये बच्चों को कम से कम खाना पीना हाइजीन लिविंग एजुकेशन ये मिल जाएगा। इस तरह के जो कृत्य होते हैं यहाँ पे उसके लिए आप क्या चीज सरकार में हैं आप? पिछले डेढ़ महीने में ये पांचवा हादसा हो गया कल ये पर्व। आप देखिए कि आप देखिए पूरे यहाँ का मत लीजिए, पूरे इंडिया का लीजिए, पूरे इंडिया का लीजिए कि जो जिस तरीके से ये जो आजकल जो लिबरल पोर्नोग्राफिक साइट्स और ये जो मीडिया के अंदर एक्सेस टू मीडिया है, इसने हम ये हमारी सोसाइटी को ख़राब कर दिया है। हमारा देश पीस लविंग स्टेट था, पुराने शास्त्र में देखो औरतों का सम्मान किया जाता था, तो अब ये जो जो स्तर गिर गया है ये सब ये आपके मीडिया की ये जो आपकी जो साइट्स आप विजिट कर सकते हो और जो ये गंदी गंदी साइट्स देखते हैं वो मेंटली जो है उनको एक टाइप का खराब इंसान बना देती है, उनके अंदर से एक राक्षस निकल जाता है। और ये जो रेप्स हो रही हैं ये अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट, बढ़ती जा रही हैं जैसे जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन मुझे ये एक चीज़ की खुशी कि कोर्ट जो है न्यायालय इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेता है और यही चीज़ है जो इसको कम कर सकती है। और हमें जो हमारे स्कूल्स वगैरह इसमें हमारी एजुकेशन में भी हमें नारी सम्मान और ये जो चीज़ें जो हैं ये ऑल्सो एक सब्जेक्ट का पार्ट होना चाहिए कि हाउ टू टीच पीपल टू बी गुड ह्यूमन। एमजीएच में अभी कुछ दिन पहले भी हुआ था यहाँ, हाँ जी हाँ, और बच्ची के साथ में वहाँ पे कैमरे और लाइट की व्यवस्था भी नहीं ठीक नहीं थी। एक तो मैंने पूरे राजस्थान के हर हॉस्पिटल पीएचसी लेवल तक मैंने हमारे प्रशासन को एसीएस को बोला है एक सर्टन टाइम फ्रेम के अंदर हर हॉस्पिटल का हर कोना शुड बी कवर्ड बाय सीसीटीवी कैमरा। आजकल सीसीटीवी कैमरा महंगे नहीं है, ये मैंने इसको मैंडेटरी कर दिया है कि पीएचसी लेवल के अंदर भी कैमरास एक्टिव होने चाहिए, जहाँ पे भी आपके ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उसकी कवरेज के लिए भी इनको सोचना चाहिए ताकि पूरी मॉनिटरिंग हो सके कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नवाचार वगैरह? बस अब नवाचार ये कि हम मेरी दो सबसे भारी मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं, एक तो पद भरने, रिक्त पद भरने, हमारे जो पूरा जो ये डिपार्टमेंट है पूरा इसके अंदर क्या है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। अब अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो आप कैसे सेवा करोगे? ये जो वैकेंसीज हैं वो दो तरीके से मैं भरने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमने उनसे दरखास्त की थी, उन्होंने हमें अलाउ कर दिया 55,000 नई भर्ती हैं, जिसमें से 5,000 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और 50,000 नवंबर दिसंबर तक हो जाएगी। जो पहले 5,000 जो भर्तियाँ हुई उसमें अभी तो असिस्टेंट रेडियोग्राफर्स और लैब टेक्नीशियंस की हुई है, हमने उनको सीधा राजस्थान पोर्टल पे डाल दिया। ठीक है, पोर्टल ने क्या किया कि वरीयता के अनुसार उनको चुना, फिर हमने सर्टन फिल्टर्स लगा दिए, कोई विधवा औरत है, अनमैरिड औरत है, डाइवोर्स है, विकलांग है, ऐसे करके हमने कई फिल्टर्स लगाए हैं। तो वो फिल्टर्स वरीयता को लेकर और तीसरा जो भी जॉब जिसको हम दे रहे हैं उससे पूछा कि जो 50 डिस्ट्रिक्ट्स में आप 50 चॉइसेस कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, ये करने के बाद उनको सबको 5,000 लोगों को नौकरियां मिली। ये जो जहां भी गए ये लोग वो सब थे रिक्त पद, तो आपके 5,000 रिक्त पद भर गए हैं और 50,000 रिक्त पद जो है जो अतिरिक्त जो लोग आएंगे उनसे भरा जाएगा। अब जैसे ही
97% लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो मैंने सडनली मेरे माइंड में था पर मैंने इसको बताया नहीं किसी को, एक बार ही ज्वाइनिंग हो जाए तो मैंने बोला कि जो भी लोग जहाँ पर हैं आपस में आप बदलाव कर सकते हैं, कोई जैसलमेर में कोई भरतपुर में आप इंटरचेंज कर सकते हैं, हमारे पद भरे हैं, वो मेन चीज़ थी। तो सबसे पहले कि एडिशनल स्टाफ से पद भरना, और दूसरा अभी हमने सीएम को प्रेजेंटेशन किया कैबिनेट के अंदर हमारी जो ट्रांसफ़र नीति है, वो ट्रांसफ़र नीति जो है जो डी कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे जैसलमेर बाड़मेर आपके सिरोही डूंगरपुर यहाँ पर, वहाँ पर बहुत भारी वैकेंसीज हैं, वहाँ डॉक्टर्स ही नहीं है, स्पेशलिस्ट ही नहीं है,